अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दर्दी टीवी न्यूज़ में बलिकार आउया मारवी तरीन शाम के हेडलाइंस। सिंध जो वो वजीर मादली शाह सूबे के बरसात सचल इलाक के दौरे से रवानो। दौरे के पे मरहले में वो वजीर घर पहुंची वो। सूबाई वजीर नासिर शाह इमुकेश कुमार चावला भी वे वजीर से गड दौरे में शामिल। वो वजीर छठे सिजावल बदीन चंडे मोहम्मद खान टंडे रैयार ए हैदराबाद से दौरों कौन। वो वजीर हर जिले में बरसात ने बोची सूरतहाल ए मुतासरी लाए इमदादी कम जायजो वो। वे वजीर के हर जिले ब्रीफिंग मिली। मुख्तलिफ शहर में वफे वफे साल अंदर बरसात चाहाना मुख्तलिफ फासले वाकई में दिल्ली अंदर समेत जनाफौत शहतोड़े गोठन में बो चिड़ा मंसर सरकारी ऑफिस में बुकोड़े चिड़ो पानी भी छिड़ो। ट्रेन में ताई लागू तो चारी में सुबह बस में तो सभी घर बही पट हजारे घर झिड़ी पिया फसल बुरी तबाह मवासलाती निसाम तबाह मानू घर ताई है तो केतनी लाइकन में इमदादी कैंप कायम नहीं सके। हजारे कुटुंब आसमान के मददगार बीठल इंतजामिया पूरी रिलीफ फराहम कर में नाकाम। एफी बचाव बंद टुटण जो इम्कानी सबब काथे वासिन में खौफ पखेड़ियल। मासिन में तबाही आनींदड़ एल पी ओ डी से माली से कलबटास था खराब। सांगर में समान से बरसात किरी पानी देकर में बुरी फौत सगियों बरसा गाछ गोट में घर की छिथ किरण सबब तो जवाब है आपने ना बीठो। बारहवें बरसात गरजी चितग्रस्त सबब माओवी समेत टे जणा दबजी फौत में सख्ती थी पिया। गोठ शहर में बरसात दौरान ब्यास कांदू से गरजी चितकिरी पई। अठटी वरह की ज़ाल रुबीना संदस थी। सत्रह वरह की कोज ए छह वरह की पोपी दबजी दंगड़ी हवाले कर छो। ब्यास कांदू इंदर बारड़ा सख्ती थी पिया। खैरपुर में घर की छित किरी पई। माओवी समेत पंज जणा फौत। गोठ अली खान कटोर में घर की छित धमाके से किरी पई। नौजवान बाबर अली कटोर नींगरी हुस संदस माओ पंजी वरह की नेमत उर्फ आयशा खातून दबजी फौत किया। जख्मी ने बिन जण अस्पताल दम छो। गंदा खां में बरसात दौरान घर की चितकरण सबब पंज जणा दबजी फौती पिया। गोट में पांच सौ माली में तेज बरसात दौरान घर की चितकरण सबब टे बारू शेला शकीला इंफरा अरड़ा वरहे जो नौजवान अजहर अली एंटी वरहे की औरत दंडित हो। फौती के मर्द औस्ता मोहम्मद अस्पताल मुंतकिल। बाकीबाद इलाके में सोग छाई थी। सिंध जहा मू बरसात के मुंह डेण लाइ तैयार रहन। मौसमियात खाते केसवान एमवी पवन की अगति कर चुकी। मौसमियात खाते मौजूद सिंध में हवा जो घट दबाव टेवी अगस्त से दाखिल टेवी का चौवी अगस्त दौरान सिंध में अज का बवी अगस्त दौरान ओभरंदी बलोचिस्तान के इलाक में बरसात जो इम्कान है।
सिंध में बरसात सबब 40 अरब रुपये के नुकसान चुका थो। पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की सदारत हेठ थियल इजलास में वकील चैंसलर के आफिस हुकुम करार दियण जो फैसलो। वर्डी वजीर बिलावल भुट्टो सरदारी तरफा बरसात नासरीन के रिलीफ पैकेज देने की हिदायत। बरसात दौरान सिंध में इन वक्त ताई 167 मानू हयातू नाए बेठा। 40 अरब रुपये के नुकसान हुआ है। नवाबिया सांगर शिदादपुर दोसरो फिरोज हैदराबाद से चावल केटी बंदर सख्त मुतासर थिया। सेवर टंडो अलहियार टंडो मोहम्मद खान दादू मांझद सकर खैरपुर में बरसात सबब नुकसान थो। पीपी चेयरमैन लावन भुट्टो सरदारी की ब्रीफिंग। संदस चवना है सिंध सरकार अवाम के नुकसान को असालो करे। वफाकी हुकूमत के भी चवंदी तो बरसात सबब थे नुकसान को तदारु कई वे। शहबाज के साथ जिनसी ज्यादती की है। अगुणे वजीर आजम इमरान खान जो इंकशाफ। पीटीआई चेयरमैन सोहो चमनाइट पुलिस चवे थी तो शहबाज गिल के तशद्दुद न आए थो पर शहबाज गिल के ज़हनी जिस्मानी एजेंसी शुरू थो है। इमरान खान मौजूद संदेश सवाल आए तो शहबाज गिल के कें तशद्दुद कयो जिम्मेवार के कानून के कटड़े में सर आंदो दिनो। वफाकी घरु वजीर राणा सनावला शहबाज गिल से कें भी किस्म की ज्यादती की तरदीद क्रिज की। राणा सनावला चाहिए तो शहबाज गिल से का भी ज्यादती न थी है। शहबाज गिल रुगो रामेदास कर मतस तशद ना ही कर जैसे ही समझन था कें का ज्यादती कई है तो खिलाफ दरख्वास्त दियन। राणा सनावला खबरदार किया अस्पताल या रेड जोन से हमलो करण की कोशिश कई तो कानूनी कार्रवाई की। इमरान खान खिलाफ फॉरन फंडिंग जो फैसलो अचने वो है उन लाई पूरी प्रोपोगेंडा कर रो है। इमरान खान की फेम्स अस्पताल में शहबाज गिल से मुलाकात न थी सकी। अज रैली कढ़ण जो ऐलान चवे तो अदालती हुकुम बावजूद असो रस्त रुके वो। पुलिस बुधाए तो किथा हुकुम पी वे बुधाए वे तो मुल्क में कानून की हुकुमरानी है या डंडे की। शहबाज गिल से जैसे तशद थी सके तो कहीं पर तशद थी सके तो मीडिया तो बात बंद कर चोरन के मड़ पे वे पर असा उन चोरन की गुलामी कभी भी कबूल न कर। इमरान खान लगातार कूड़ गल पे वर्स अदालत जो को भी ऑर्डर न हो। वफाकी वसीम मरियम रक्सीब चवनाए तो इमरान खान अदालत का ऑर्डर वी शहबाज गिल से मुलाकात कर सके तो। शहबाज गिल से तशद ना ही थो। मेडिकल बोर्ड चाहिए शहबाज गिल फिट है। इमरान खान दरअसल पंजाब से वरे वसीर ए इलाई लाहौर हाईकोर्ट के पेंचे माथ हेठ कर चाहे तो। वफाकी हुकूमत की कानूनी टीम में बड़ी तब्दीलियों। 118 सरकारी वकीलों के फारिग किए पे 127 नई मुकर्र। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद साजिद इलियास वकील के अहदे का हटाए पे। इस्लामाबाद में 20 रावलपिंडी में 13 नई मुकर्र कई पे। लाहौर में 31 मुल्तान में 9 भावलपुर में 5 वकीलों के मुकर्र पो। कराची में 16 कोयटा में 7 वकीलों की खिदमतों वी वही। सरकारी वकीलों अदालतों में वफाकी हुकूमत इदारों की नुमाइंदगी कंदा। सोमालिया के गादी वाले शहर मुकादिशो में हथियारबंदन जो होटल से हमलो। 8 जना मासी पा हमलो कदड़ व कार बम धमाका करण बाद होटल में दाखिल की गया। अंदाजनकारी में 8 जना मासी पा। अलकायदा की सैली तनसीम अलशबाब हमले की जिम्मेवारी कबूल कर वी।
मुल्क में कोरोना बिगे मजना हयातों में आए वेठा सिहत जो कौमी इदारे एनआईटी चेन्नई के 24 कलाकों दौरान कोरोना से 449 नवा केस सामू आया। मुल्क में कोरोना के हाकारी केसों की शरह 2.25% रही। इलाज हेठ कोरोना के मरीजों में 158 मरीजों की हालत नजर आई।